डॉक्टर वेन तैयार हैं। इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ है, मुझे डर है इन्हें सेरेब्रल हार्निया ना हो जाए। हेमरेज की जगह ढूंढो और इन्फेक्टेड ब्लड को साफ करके दोबारा सर्कुलेट करना होगा। हेमरेज स्पॉट ढूंढना होगा पहले। ठीक है, जल्दी करो। ट्रांसफर करो। क्यों नहीं गई? ऑपरेशन कामयाब रहा? अंकल कैसे हैं? कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखना होगा। कब तक होश में आएंगे? इतना परेशान मत हो तुम। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, ठीक हो जाएंगे। अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। और आप? डॉक्टर्स को नींद की जरूरत नहीं होती। बॉस, माना कि डॉक्टर्स को नींद नहीं चाहिए होती, लेकिन नौजवान ट्रेनीज को तो नींद चाहिए होती ना, तो क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं, ये ट्रॉली इंतजार कर रही है तुम्हारा। समझ गया, जूनियर्स को भी नींद की जरूरत नहीं होती। तुम्हें सोना है, पहले मेरा एक काम कर दो। क्या कर रही हो? मेरे दिल ने कहा कि आज तुम उदास होगी, तो मैं खुद चलकर आ गई हूँ तुम्हारे पास यहाँ, और तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना भी खा लेना। आग लगाने आई हो? हाँ, प्यार की आग लगाने। मैंने तो आज तक किसी लड़के के लिए भी ये सब नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हारा प्यार देख लिया। जरा ध्यान से। हाँ, मैं फायर फाइटर्स को नहीं बुलाना चाहती। मैंने अकेले ही खाना कैसे शुरू कर दिया? मैं तो ये तुम्हारे लिए आई थी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या अभी भी तुम उस बूढ़े आदमी के लिए परेशान हो? मुझे अब एहसास हो रहा है कि विन शॉकिंग ठीक कह रहा था। मैंने हद पार की है। अगर इस मामले को इतना उछाला ना होता तो इस वक्त वो अस्पताल में आराम से होते। अब पागल मत बनो तुम, सारा इल्जाम खुद पर मत लो। खाकर बहुत ताकत आ गई है तुम्हें। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ज्यादा लग गए। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचती तब भी उनकी सर्जरी आज नहीं तो कल हो ही जाती। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
अगर किसी से मेरा ब्रेकअप कोई और एग्जांपल दो, ये बेकार है। और अगर वाकई में मेरा ब्रेकअप हो गया हो तो? क्या सच में? लेकिन क्यों, कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। जाने दो वो सब, मैं संभाल लूंगी खुद को। ये तो ठीक कहा तुमने, देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। अगर उस धोखेबाज का सच मेरे सामने नहीं आता तो हो सकता है मैं खुश होती मगर असल सच्चाई से बेखबर रहती। धोखे से बेहतर है थोड़ी देर तकलीफ। तुम्हारा मतलब है आज नहीं तो कल अंकल को सच पता चलना ही था, इसलिए सब कुछ ठीक है ये कहना गलत है? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती थी। एक नकारा बॉयफ्रेंड भी एक ट्यूमर की तरह होता है जो कि किसी भी वक्त फट सकता है, जल्दी पता चल जाने पर जल्दी इलाज। ये तो साजिश हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों? कौन हो? अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहती। जानती हूँ तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी, इसलिए मुझे नाज़ है तुम पे। बॉस, चेंग चेंग का मैसेज आया है। तुम्हारी कजिन आखिरकार सो गई, चिंता मत करो, मालूम नहीं था तुम जैसा बुद्धू इतना केयरिंग हो सकता है। उसका मतलब मुझसे है, मैं बुद्धू हूं। और कुछ है? हाँ एक फोटो है, और मुझे लग रहा है ये फोटो मुझे आपको दिखानी तो पड़ेगी ही। बॉस, मुझे लगता है आपको मेरी कजिन की कुछ ज्यादा ही परवाह है, मगर ऐसा क्यों है बताइए, क्या बात है? तुम ही गेस करो, गलत हुए तो नया काम मिल जाएगा। वो शायद इसलिए क्योंकि आपको अपने स्टूडेंट्स की ज्यादा परवाह रहती है। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। ख्याल से तुम मुझे यहां देखना नहीं चाहती थी। सही कहा। मिस्टर लिन कैसे हैं? आईसीयू से आ गए हैं लेकिन अब भी कोमा में हैं। मैं जरूरी चीजें सुपरमार्केट से लाना चाहती हूँ, अगर उनको जरूरत पड़ी तो। चलो ठीक है, मेरा भी आज ऑफ है, दोनों साथ चलते हैं। ठीक है। कामराम, एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। तुम वो कपड़े क्यों नहीं पहनती जो मैंने तुम्हें दिए थे? इतने बुरे हैं कि अपने आंखें घुमा लिए तुमने? गलत मत समझिए, दरअसल मैं आंखों की एक्सरसाइज कर रही थी। उनके खाने के लिए बर्तन, ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल कपड़े जो वो एक बार पहन सके, टॉवल, टूथपेस्ट, ब्रश, नैपकिन, ये सब भी रख लेना। और हाँ, याद रहे कि ये सब तो ले लिए हैं, एक मैंने सिपी कप भी लिया है ताकि वो लेटे लेटे जूस पी ले, और टेबल बोर्ड ताकि अगर वो वीडियो गेम खेलना चाहे तो उनको परेशानी ना हो। ख्याल आप रख लीजिएगा। हमें और क्या लेना चाहिए, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं?
ये भी रख लो। बाथरूम की क्या जरूरत है उन्हें? ये मिस्टर लिन के लिए नहीं है, रख लो इसे। इसे आप वापस रख दीजिए, ये मेरा साइज नहीं है। ये दरअसल मेरे लिए है, तुम्हारे पास जो है वो मुझे फिट नहीं आती। दोबारा पहनने का मौका कब मिलेगा? क्यों, मिल भी सकता है, पिछली बार मैं कौन सा इरादे से गया था। आंखों की एक्सरसाइज ऐसे नहीं होती, आंखों को इस तरह बार बार घुमाने से पैरालिसिस हो सकता है। ये तो बड़ा ही बदतमीज है। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्या किया? ये तुम्हारे पापा लाए थे और तुमने फेंक दिया? ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही कीमती तावीज है जो खासकर तुम्हारे लिए लाए थे। आप लोगों की नजर में मैं भी तो एक तावीज की तरह ही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो हमेशा मुसीबतें खड़ी करती हो और ये तावीज उसका हल है। बेटा जरा ये तो सोचो, तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए पानी की तरह पैसे बहाते हैं हम। क्या तुम्हें हमारा प्यार नजर नहीं आता? तो ये सब बकवास बंद कर दो। मैं मनमानी करती हूँ, सच बता भी दीजिए, आप लोग चाहते हैं मैं बस एक कठपुतली की तरह रहूं, बस आप लोगों के एहसान तले दबी रहूं जिंदगी भर। तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, जब देखो आत्मनिर्भरता की बात करते हो। अगर आत्मनिर्भर बनना ही है तो फिर जो कुछ मैंने दिया वो वापस करो। इसीलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। ये लीजिए, आपकी दी हुई कार ले आई हूँ मैं, नीचे खड़ी है वो, और ये सब भी आप वापस ले लीजिए, और वो अपार्टमेंट वो अभी मैं वापस नहीं कर सकती, उसका किराया दे दिया करूंगी। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये मजाक कर रहे हैं। पर मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम चाहती क्या हो? तुम कर क्या रही हो? कार्ड्स को मत फाड़ो, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रही हो तुम? मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, करके दिखाऊंगी मैं। क्या क्या आप उसके पीछे नहीं जाएंगे? जाने दो उसे। अच्छा नहीं किया आपने। हेलो मिस्टर वेन रैंग, मैं वॉन्ग बात कर रहा हूँ। हमारी चीफ एडिटर को आपकी कविता बहुत पसंद आई है। हाँ बहुत शुक्रिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पब्लिश करने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, पर हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। हमें भी अपने फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है। हेलो आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो, क्या आप लाइन पे हैं? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ कोई बात नहीं, उन्हें शुक्रिया कह देना। बहुत प्यास लगी है, मैं तो पानी तक नहीं खरीद सकती, प्यास के मारे मैं कहीं मर ना जाऊं। अपने पैरों पर खड़ा होना इतना मुश्किल है। अट्ठाईस हजार टैक्सी पकड़ लो। नहीं, उनके पैसे नहीं खर्च करूंगी। चोट लग जाती तो? ओह माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम कहाँ जा रहे हो? स्टोर पे। बहुत बढ़िया, मैं भी चलूंगी, मुझे लेकर चलोगे? मैं अकेला जाना चाहता हूँ, तुम बस से चली जाओ। नहीं, मेरे पास एक ही कार है, बस नंबर 11, टायर पंचर हो गया। मैं विनती करती हूँ प्लीज मुझे लेकर चलो, वही चेक में मेरा स्टेप नंबर टॉप कर चुका है। मेरी सीट कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। कोई बात नहीं,
मुझे कुत्ता ही समझ लो, अपना मनपसंद ब्रीड। तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाओगी। कोई बात नहीं, तुम उससे नफरत कर सकते हो। वैसे दानव ने कहा था इंसान के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरों की नफरत सह सके। अब ये किसकी बात कर रही तुम? मैं साइकिल के पिछली सीट पे 12 साल से बड़े लोगों का बैठना मना है। आई समझ। एक काम करते हैं, अगर हम पकड़े जाए तो मैं सब खुद पर ले लूंगी। ये बताओ कि ये पे कौन करेगा? तुम? ये करेगी। नहीं कर सकती मैं, तुम करो। इंसान को ज़बान का पक्का होना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें वादा जरूर किया था, मैं चुका दूंगी सब कुछ, पर अभी के लिए तुम दे दो। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस बार दे दो ना। एक अच्छा पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से बेहतर होता है। तुम्हारा पड़ोसी होना मेरी बदकिस्मती है। तुम अच्छा ठीक है, शर्म कैसी, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है। अपने कपड़े तो देखो और कह रही हो पैसे नहीं है तुम्हारे पास। क्यों ना मैं अपना ये बैग तुम्हारे पास गिरवी रख दूं? अगर तुम्हें जानता ना होता तो मैं तुम्हें फ्रॉड समझता। क्या तुम्हें पता भी है ये लिमिटेड एडिशन बैग है? अच्छा अच्छा चलो 4,000 दे दो, इससे बिल्कुल कम नहीं। आपस में लड़ना बंद करो तुम लोग। ये बताओ कि ये पैसा कौन देगा? इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। ये रहा तुम्हारा चलान, और ख्याल रखना कि आइंदा गलती ना हो। तुम कहाँ जल्दी? अब क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या होगा? क्या मुझे अकेला छोड़ दोगे? अभी तो बहुत दूर जाना है। एक काम करो, तुम ही ये साइकिल रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मत जाओ, रुको, वापस आओ। अभी तक यही हो? घर जाने का इरादा नहीं है क्या? मैं मिस्टर लिन के लिए रुकी थी। हाँ, इनकी कंडीशन ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है, डॉक्टर वैन कई बार आकर इन्हें चेक करते हैं। बदकिस्मती से इनकी कोई औलाद नहीं है, होश में आने पर इनके साथ कोई नहीं होगा। सुनिए, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगी, अब मैं चलती हूँ। हाँ मिस्टर लिन, आज मैं आपके लिए पुलिस स्टेशन गई थी, आपके पैसे मिल गए हैं, आप खुश हैं? मैं जानती हूँ आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी समझेंगे? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए।
ओ, आ गई तुम। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। यानी मेरे चलान वाले पैसे वसूल हो गए। एक तो तुम खुद को शरीफ इंसान कहते हो, ये कैसे शराफत है बताओ भला। मैंने सीखा और अप्लाई भी कर लिया। लोगों को अपने अंदर दूसरों की नफरत सहने की क्षमता रहनी चाहिए। तुम वाकई तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और क्या, मैं मजाक कर रही हूँ क्या? आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा। मैंने फैसला कर लिया, मैं एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट खोलूंगी। फिर सोच लो। आज रात सभी डिनर पर आ जाएं। इस मंथ की प्रोग्रेस के बारे में बातचीत कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ऐसा लग रहा है फेलियर स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है। ये नेकलेस हम चारों की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। बहुत ध्यान से हम लोगों ने ये चूज किया है। वाकई ये आपको बिल्कुल फिट आएगा। इन सब की क्या जरूरत थी, तुम आ गई। चलो आ जाओ बैठो। माफी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था प्रेजेंट तैयार करना है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को कहने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहूंगी। आप सब ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इन गिफ्ट्स की मुझे कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया। ओके लूसी। तुम क्या कर रहे हो? चलो, इंटर्नशिप का एक लेवल कंप्लीट करने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। गुड लक, गुड लक। खाने के साथ बात भी कर लेते हैं। दरअसल मुझे आप सबके इंटर्नशिप के फीडबैक मिले हैं, आप सभी के यूनिट से। पर फिर भी मैं आप सबका भी फीडबैक लेना चाहूंगी। पहले कौन बताएगा? पहले मैं बताऊंगा। पिछले महीने हमने लॉ डिपार्टमेंट के 3 कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और हमने एक इम्प्रॉपर एक्विजिशन को भी रोक लिया और जो अच्छी तरह से कंप्लीट किया हमने। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। हाँ। और बाकी सब? वो शुरू के 2 हफ्ते तो मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाई, पर जिंगजिन ने मेरी बहुत मदद की, बहुत अच्छी है। हेड ऑफिस को मैसेज मिल गया था। जानती हो तुम, जिंगजिन ने न सिर्फ अपना पार्ट कंप्लीट किया है बल्कि फिल्म और टेलीविजन के बड़े क्लाइंट को कंपनी में साइन अप भी करवाया है। असल में मैंने ये सब कुछ अपने सीनियर से ही सीखा है। मौके की इंतजार करने की बजाय सीधा मार्केट जाकर अप्रोच करना ही बेहतर है। बहुत अच्छी सोच है। तुम बताओ कांगरा, सुना है तुम्हारी इंटर्नशिप बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही आसान था ना? काम तो आसान था लेकिन अभी भी चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चिंग चिंग, आज की वर्क रिपोर्ट की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ा है। मुझे तो अब अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है। पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा भी और आखिरी कदम में भी मुश्किल होता है। जाना होगा, बाद में बात करती हूँ। इतनी रात को क्यों जा रही हो? वेंट शॉकिंग? बेवकूफ हाथ कहेंगे ये तुमने क्या किया? चीयर्स! मेरे लिए गाना किसने पसंद किया? इसने किया। तो चलो एक गाना मिस लूसी की तरफ से। तो चलो मैं कोशिश करती हूँ।
साथ ही मिस्टर शेंगवांग को शर्मिंदा कर दिया। एक मशहूर लॉयर ने तुम जैसे नौसिखिए को रेकमेंड किया, एक ऐसी लड़की जिसने लॉ की डिग्री तक नहीं ली। आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? कौन कहता है कि वकील बनने के लिए लॉ डिग्री की जरूरत है? पहली बात यह है, एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। रिकमेंडेशन एक लीगल सिलेक्शन प्रोसेस है। मुझे मिस्टर शेंगवांग के फैसले पर पूरा भरोसा है। तुम दोनों कहीं एक दूसरे के क्लोज तो नहीं हो? तुम्हें फिक्र है? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मैं यहाँ पर उन्हीं की वजह से आई हूँ। तुम उसे पसंद कर सकती हो। मैं यहाँ अपना करियर बनाने आई हूँ। ठीक है, तो अब खुद गाओ और एंजॉय करो। मैं यहाँ का सारा बिल पहले ही पे कर चुकी हूँ। मैं ऑफिस निकलती हूँ, मुझे जरा काम है। बाय बाय बाय। ये किसका सॉन्ग है? मेरा। ओह अच्छा, मैंने ये सॉन्ग चूज किया है कॉमरोंग के लिए। सुना है तुम्हारी इंटर्नशिप बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत ही आसान था ना? जिन्होंने कंप्लेंट किया वो कोमा में है। मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। तुमने वाकई मिस्टर शेंगवांग को शर्मिंदा कर दिया। एक मशहूर लॉयर ने तुम जैसे नौसिखिए को रेकमेंड किया, एक ऐसी लड़की जिसने लॉ की डिग्री तक नहीं ली। वेन शॉकिंग, प्लीज ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई बुरी खबर है। मिस्टर लिन को होश आ गया है। क्या सच में? हाँ सच में। कॉन्ग्रोंग। बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने जो किया उसके लिए भी शुक्रिया। तुमने इतने ड्रिंक क्यों किए? मिस्टर लिन को होश आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। खास मेरे पापा को भी बचा लेती, कितना अच्छा होता। विन शॉकिंग, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जानता हूँ। आप मेरे कलीग हैं, ये अच्छी बात है। मैं सच में बहुत खुश हूं। मेरे लिए भी।
आराम से सो जाओ। मैं बिना कपड़े बदले कैसे सो गई? मुझे हो क्या गया है? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके गले लगने की? बेवकूफ कहीं की। आज मंडे है, सोते मत रहना। एक छोटा सा इशारा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गुड मॉर्निंग, एक लार्ज। मुझे मालूम है और पेमेंट भी हो चुकी है, लीजिए। कितने हुए? पेमेंट हो चुका है। पे कर दिया? जी। थैंक यू। यहाँ तो कोई नहीं है। यही उतार दीजिए। कितना हुआ? पेमेंट हो चुका है। पे कर दिया? आपको तो मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं पता। ये देख के तो अंदाजा हो ही जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये सब कुछ मेरे साथ कभी क्यों नहीं होता? मुझे तो जलन हो रही है। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा है क्या? कहीं वो बेट बेचने वाले मेरे पीछे तो नहीं पड़ गए ना? मुझे तो ना ही कॉफी पीने की हिम्मत हुई, ना ही सैंडविच खाने की। डर लग रहा है कहीं उनकी शिकार ना बन जाए। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सकता है तुम्हें कोई प्राइस मिला हो, या फिर कोई तुम्हें चाहता है जिसका तुम्हें पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। प्यार में ये सब करते तो मैंने देखा है, पर उस ड्राइवर ने जो कहा उससे मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी तुम लोगों को बॉयफ्रेंड्स बांट रहे हैं? अगर ऐसा है तो एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। हेलो हेलो, बाद में बात करती हूँ मैं, अभी एक और इंसान से निपटना है। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी लग रही हो। ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छा है। कोई अच्छी खबर है क्या? या शायद बुरी खबर। ये रही वो शर्ट जो लास्ट टाइम मैंने खराब कर दिया था। मैंने वॉश किया है, वो भी कई बार। क्यों सुन रहे हो? तुमने तो चेक करने के लिए कहा। बस वही तो कर रहा हूँ कि कहीं कोई स्मेल तो नहीं आ रही। डॉक्टर वेन, गलत मत समझना, नशे की हालत में थी इसीलिए आप कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि ड्रिंक करने के बाद इंसान का ब्लड प्रेशर काफी तेज हो जाता है। इतना तेज कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो जिस हालत में वो होता है उसे मस्ती कहते हैं। मैं करेक्शन कर देती हूँ, मस्ती में आकर मैंने हक कर दिया था। मुझे इससे फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम पर काबू कर लेता है, बल्कि यूं कहूंगा कि वो आपके जज्बात को बहुत ज्यादा बढ़ा भी देता है। आसान लफ्जों में समझाता हूँ। कल रात जो तुमने किया, यानी जिस तरह से मुझे हक किया, उसका मतलब है कि पसंद करती हूं मैं। मैंने ये आपके लॉजिक के हिसाब से कहा है। इसमें ऐसी भी क्या बड़ी बात है? एक हगी तो किया था। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कौन सा पहली बार हुआ है? छोड़िए, कल रात जो भी होना था हो गया।
क्या हुआ, रिसीव क्यों नहीं कर रही? फोन बज रहा है, रिसीव करो। हेलो, मिस्टर लिन आपसे मिलना चाहते हैं। एक हमदर्द और रहमदिल जोड़े ने एक मरते हुए इंसान की जिंदगी बचा ली, एक मसीहा की तरह। आपका क्या ख्याल है मिस्टर लिन, जो लिखा है ये सही है ना? आपको होश आ गया, क्या बात है। ये लो, मिस्टर लिन ने आप दोनों के लिए खास बनवाया है, शुक्रिया अदा करने के लिए। ओ, ये बैनर एक जोड़े के लिए बनवाया है। आप तीनों तो एक छोटी सी फैमिली की तरह है। अब मैं इनकी फैन नहीं रही, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। मिस्टर लिन, क्या आपके टीचर ने आपको ये सिखाया था जो इस पर लिखी हुई है? मिस्टर लिन, ये इतना सुंदर है, इसे मैं ही रखूंगा। मिस्टर लिन, क्या अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है? बस ठीक हो जाइए, तब कुछ अच्छा खाएंगे। साथ में तस्वीर लेना चाहते हैं? पेशेंट की एक छोटी सी ख्वाहिश, साथ तस्वीर लेना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हटिए, जाइए हमारी फोटो लीजिए। अब क्या हुआ? मिस्टर लिन ये कहना चाहते हैं कि मैं भी तुम लोगों के साथ आऊं। आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ खड़ा रहूं? ठीक है, चलो कैमरे की तरफ देखो, मुस्कुराओ। चलो, रेडी। मैं हमेशा सपने में पापा को ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देखती हूँ, और फिर जब दोबारा दरवाजा खुलता है, पीछे कुछ नहीं होता। इस दिन के बाद से ये सपना दोबारा नहीं आएगा। वो शायद इसलिए कि ये फोटो एक एहसास की तरह चमक रही है। ये पापा को याद करने के लिए सुनहरा मौका है, या फिर ये तुम्हारी वजह से है। कल रात में तुम्हें बताना भूल गया था कि अस्पताल की तरफ से तुम्हारे जॉब के फर्स्ट मैथ के इवैल्यूएशन के मार्क्स अच्छे आए हैं। ये लाइट को क्या हो गया? कहीं फिर से शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? क्या ये सामान नए पड़ोसी का है? हेलो कांगरोंग। चेंग चेंग, आखिर वो आदमी मिल ही गया। किसे हो गया? जिसने मेरे बिल पे किए। लगता है वो सामने वाले घर पे रह रहा है। क्या वो कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? तुम घबराओ मत, साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हारे घबराहट की वजह से मेरे टांगे कांप रहे हैं। मेरे दरवाजे पर ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई है, मैं तो देख भी नहीं पाई, पता नहीं इंसानों की है या जानवरों की। मैं अब यहाँ अकेले नहीं रह सकती, तुम मुझे पिक कर लो ना। तुम डरो मत, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम नीचे चली आओ और मेरा इंतजार करो। ठीक है।